हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चन आईबीओ 4 में बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट जो है कितने तरीके के होते हैं। ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में मुझसे भी पूछा गया था और ये प्रीवियसली बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है ऑलरेडी कि कितने तरह के डिफरेंट जो है लेटर ऑफ क्रेडिट हो सकते हैं, एलओसी कितने तरीके के हो सकते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। पर उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके और आपको नोट्स अगर आपको कॉमर्स की पाठशाला से चाहिए बहुत ही सस्ते दामों पे, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल का मेंबरशिप प्लान ज्वाइन करना पड़ेगा जो कि एक्सक्लूसिवली बनाया गया है बीकॉम, एमकॉम और 11th 12th के स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको हमारे चैनल के नाम के ऊपर आना है, आपको हमारे चैनल पे विजिट करना है जिसका नाम है कॉमर्स की पाठशाला। यहाँ पे आने के बाद आपको ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपको जाना है एमकॉम वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप हमारे इस एक्सक्लूसिव मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे आपको जो है फ्री सॉल्व असाइनमेंट्स मिल जाएगा, आपको नोट्स जो है बहुत ही सस्ते दामों पे मिलेंगे, बहुत ही सस्ते दामों पे मिल जाएंगे अगर आप मेंबरशिप प्लान को लेते हैं। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा ऑफ एनी काइंड। किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए है ना, आपको व्हाट्सएप सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो असाइनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके ग्रेड कार्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड हो है ना, चाहे किसी भी तरह की जानकारी आपको चाहिए, आपको व्हाट्सएप सपोर्ट के थ्रू हर एक तरह की जानकारी, हर एक तरह का हेल्प जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा फ्रॉम कॉमर्स की पाठशाला। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे इस मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन करें जो कि एक्सक्लूसिवली स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, जहाँ पे आपको नोट्स जो है बहुत ही सस्ते दामों पे मिल जाते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँ कि हमारे वेबसाइट पर ऑलरेडी बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको यूनिट वाइज हर एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, हर एक चैप्टर का, जिसका सभी का आंसर अवेलेबल हो गया है हमारे वेबसाइट पे। कुछ कुछ के बाकी हैं बट वो भी हो जाएंगे। बट अगर आपको कंसाइज वे में सजेशन चाहिए एग्जामिनेशन का, तो वो आपके लिए आपको जो है परचेस करना होता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा आपको अमाउंट पे नहीं करना होगा, बहुत ही सस्ते में आपको ये मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और मैं बताना चाहूंगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेंबरशिप जो प्लेलिस्ट है, मेंबरशिप नहीं, जो प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन है, आप वहां पे जरूर जाएं। प्लेलिस्ट में ही सारी की सारी वीडियोस हैं अवेलेबल है ना। आप अगर वीडियोस को वन बाय वन वॉच करना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल के नाम के ऊपर आने के बाद प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाना है, या फिर अगर आप अगर होम होम पे भी हैं तो भी आपको यहाँ पे देखो इग्नू की आईबीओ 1 से लेकर इग्नू एमकॉम वाले सेक्शन में आईबीओ 1 से लेकर के आईबीओ 6 है ना, और एमसीओ 1 से लेकर के एमसीओ 7 मतलब सेकंड ईयर, सारे के सारे प्लेलिस्ट की वीडियोस अवेलेबल हैं, जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाओगे है ना। तो बहुत जरूरी है कि आप इन सारे वीडियोस को वॉच करें अगर आपको अच्छे मार्क्स एग्जामिनेशन में लाने हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ जो कि हमारा डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो कितने तरीके का होता है। तो जो सबसे पहला तरीका है, जो सबसे पहला जो काइंड है, वो है रिवोकेबल और इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ऐसा एलओसी जिसको रिवोक किया जा सकता है, मतलब हटाया जा सकता है, या फिर नहीं भी हटाया जा सकता है। तो क्या लिखा हुआ है, अंडर द रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट द इशुइंग बैंक रिटेन्स द राइट टू कैंसल और मॉडिफाई द क्रेडिट, है ना। तो रिवोकेबल जो टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, यहाँ पे जो बैंक होती है जो उसको इश्यू करती है, उसके पास कंट्रोल होता है, पूरा पावर होता है कि वो कभी भी एलओसी को कैंसिल कर सकती है या फिर मॉडिफाई उसको कर सकती है। लेकिन इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट में जो इशुइंग बैंक होता है उसके पास किसी भी तरह का अधिकार नहीं होता है कि वो इस तरह का कुछ कर सके। वो बाइंड होता है कि बेनिफिशियरी को जो है उसका बेनिफिट मिल पाए, वो उसको किसी भी तरीके से कैंसिल नहीं कर सकता। तो रिवोकेबल और इरिवोकेबल, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट, तो कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट किसे बोलेंगे। दिस इंप्लाइज दैट अ बैंकर अदर देन द इशुइंग बैंकर बाय एडिंग इट्स कंफर्मेशन अज्यूमिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ इशुइंग बैंकर्स इनएबिलिटी और रिफ्यूजल टू पे, है ना। कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है, एक तरह का लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जो कि बैंकर्स के द्वारा दिया जाता है, जहां पे जो मेन बैंकर होती है जो इशू करती है लेटर ऑफ क्रेडिट को, उसको किसी और बैंक के द्वारा कंफर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है कि चलो ठीक है, अगर वो पेमेंट नहीं कर पाया तो हम आपकी जगह पे उसका पेमेंट कर देंगे, है ना। तो उस केस में जो है कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है, जो कि पीएनबी के केस में हुआ था, नीरव मोदी के केस में हुआ था, आपने नाम सुना होगा। उस टाइम पे कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट ही जो है दिया गया था, जिसके कारण से जो जो भी खर्चे थे वो उनको लेने में निकालने में दिक्कत नहीं होगी हुई उस आदमी को, और उसने सारे के सारे पैसे जो है निकाल लिए लेटर ऑफ क्रेडिट के नाम पे, सारे के सारे पैसे जो है बैंक से निकाल लिए। Restricted credits, है ना? So this refers that negotiations under a credit may be restricted by issuing bank to a named bank, है ना? तो restricted credits का मतलब होता है कि ये एक तरीके से negotiations होता है credit के ऊपर, कि आपके आपको जो है restrictions आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं, है
है ना, यहाँ पे एक तरीके का नेगोशिएशन चलता है, एक तरीके का क्लॉज यहाँ पे दिया गया है कि इस लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन जो है इन फ्यूचर इशुइंग बैंक लगा सकती है किसी भी बैंक के ऊपर, है ना। रिवॉल्विंग क्रेडिट, है ना, रिवॉल्विंग घूम घूम करके आ रहा है क्रेडिट भी। सो दिस प्रोसेस इज अरेंज्ड वेयर रेगुलर कॉन्टिन्यूइंग शिपमेंट्स आर मेड बाय सेलर। तो ये क्रेडिट कब मिलता है या फिर कब ये दिया जाता है, इशू किया जाता है, जब आप जो जो ट्रेड है वो बहुत ही फ्रीक्वेंट हो रहा है, मतलब जो जो शिपमेंट्स है वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आ रही है बाय द सेलर और जो इम्पोर्टर है उसके पास बहुत ही फ्रीक्वेंटली आ रही है। सो इट मे बी अवेलेबल इवन आफ्टर द क्रेडिट हैज बीन यूटिलाइज्ड वंस। तो हो सकता है कि क्रेडिट एक बार आपका यूटिलाइज हो चुका है ना, फिर भी अगर आपको और क्रेडिट चाहिए क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूइंग शिपमेंट्स हो रहा है, तो वहां पे जो आपको क्रेडिट मिलेगा उसको हम बोलेंगे रिवॉल्विंग क्रेडिट, है ना। तो ये भी एक तरीके का लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट, अब ये थोड़ा खतरनाक लेटर ऑफ क्रेडिट है क्योंकि यहाँ पे रेड क्लॉज की बात की जा रही है। सो दिस प्रोसेस इन द नेचर ऑफ प्री शिपमेंट फाइनेंस गिवन टू द सेलर बाय द बायर, है ना। तो एक तरीके से प्री शिपमेंट फाइनेंस दिया जाता है सेलर के द्वारा बायर को, बायर जो है सेलर को एक तरीके से फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है कि आप मेरे सामान को मेरे से लेकर के जाओ और जो भी खर्चा होगा वो भी हम ही बेयर करेंगे, है ना। तो उसको रेड क्लॉज क्रेडिट बोलेंगे। दिस क्रेडिट दस इनेबल्स द बेनिफिशियरी टू ड्रॉ एन एडवांस अमाउंट अगेंस्ट अ शिपमेंट। तो जो सामान रिसीव करने वाला है, सोचो वही पैसे निकलवा पा रहा है उस व्यक्ति के नाम पे जो कि सेंड कर रहा है ना। तो ये एक तरीके से जो बेनिफिशियरी है उसको एनेबल करता है कि वो जो पैसा है वो निकाल सके शिपमेंट्स के अगेंस्ट। द एडवांस इज लिक्विडेटेड बाय अमाउंट ड्यू ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, है ना। तो जो भी एडवांस आप पे कर रहे हो या फिर पे किया जाता है उसको बाद में जाकर के लिक्विडिफाई करने के लिए, लिक्विडेट करने के लिए इस डॉक्यूमेंट्स को शो करना पड़ता है ताकि वो अमाउंट जो है आपको मिल जाए जो आपने एडवांस में पे करके रखा था ऑलरेडी, ठीक है ना। छठा पॉइंट है ट्रांसफरेबल क्रेडिट। तो नाम से पता चल रहा है ट्रांसफर की बात की जा रही है। दिस एनेबल्स द बेनिफिशियरी टू मेक द क्रेडिट अवेलेबल इन होल और इन पार्ट टू वन और मोर थर्ड पार्टीज, है ना। अब ये एक तरीके का क्रेडिट है जहां पे एक तरीके से ये एनेबल करता है बेनिफिशियरी को कि वो जो है क्रेडिट किसी को दे सके, क्रेडिट किसी के लिए अवेलेबल करवा सके। फुल्ली क्रेडिट भी हो सकता है, हाफ क्रेडिट भी हो सकता है, किसको, एक या एक से ज्यादा थर्ड पार्टीज को, जिसको हम सेकंड बेनिफिशियरी भी बोलेंगे। दिस कैन ओनली बी डन इफ द क्रेडिट क्लियरली स्टेट्स इट इज ट्रांसफरेबल, और ये तभी पॉसिबल हो जाएगा जब एलओसी में ये क्लियरली लिखा होगा कि ये ट्रांसफरेबल क्रेडिट है। मतलब आपने अपने नाम पे क्रेडिट लिया लेकिन आप उस क्रेडिट का इस्तेमाल जो है किसी और के हेल्प के लिए कर रहे हो, किसी और के लिए कर रहे हो, तो उसको हम कहेंगे ट्रांसफरेबल क्रेडिट, ठीक ना। इट इज यूज्ड व्हेन द सेलर इज अ मिडिल मैन हु ट्रांसफर पार्ट ऑफ द क्रेडिट टू द सप्लायर हु शिप्स द गुड्स, है ना। अभी इसका इस्तेमाल आप सोचोगे कि कब होता है, ये तब होता है जब जो सेलर होगा वो एक मिडिल मैन होगा, मतलब एक ब्रोकर होगा, एक मिडिल मैन होगा जो कि अपने क्रेडिट का पार्ट का हिस्सा जो है सप्लायर को ट्रांसफर करेगा जब उसको गुड्स जो है रिसीव हो जाएगा, सॉरी जब रिसीव नहीं होगा, जब उसको शिप कर दिया जाएगा। मतलब सेलर ने अपने गुड्स को शिप कर दिया तो जो बायर है, जो मिडिल मैन है, वो कुछ पैसे जो है इसको दे दे रहा है कि ठीक है आपने शिप कर दिया है, सामान भेज दिया है, तो मैं आपको कुछ पैसे दे देता हूँ, है ना। तो ये ट्रांसफर क्रेडिट जो है इस यहाँ पे काम पे आता है, ठीक है ना। उसके बाद है बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट, एक के बाद एक लेटर ऑफ क्रेडिट। द बेनिफिशियरी ऑफ अ इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट मे नॉट बी द एक्चुअल सप्लायर ऑफ द गुड्स, है ना। तो जो इररिवोकेबल जो लेटर ऑफ क्रेडिट का जो मेन जो आदमी होता है जो उसको संभाल रहा होता है, हो सकता है कि वो एक्चुअल सप्लायर ना हो, है ना। He will request the banker to open a further letter of credit. तो उस केस में वो क्या करेगा, वो बैंकर को वापस से बोलेगा कि आप एक और लेटर ऑफ क्रेडिट इस्तेमाल मतलब बनाइए जो कि सप्लायर को फेवर करके बना हो, है, अगेंस्ट द ओरिजिनल क्रेडिट, है ना। तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है कि जो बेनिफिशियरी है इररिवोकेबल क्रेडिट का, यहाँ पे ध्यान रखो इररिवोकेबल क्रेडिट की बात की जा रही है, वो एक तरीके से हो सकता है कि वो गुड्स का एक्चुअल सप्लायर ना हो, तो उस केस में वो रिक्वेस्ट करेगा बैंकर को कि वो जो है एक लेटर ऑफ क्रेडिट तैयार कर सके सप्लायर के फेवर में, ताकि जो ओरिजिनल क्रेडिट है उसके बेसिस पे वो जो है तैयार किया जाता है। तो उसे हम कहेंगे बैक टू बैक क्रेडिट। नाउ स्टैंड बाई क्रेडिट, सो दिस इज सिमिलर टू अ परफॉर्मेंस बॉन्ड और ऑन गारंटी बट इन फॉर्म ऑफ एलसी, है ना। अभी एक तरीके से परफॉर्मेंस बॉन्ड या गारंटी के तरह होता है जहां पे स्टैंड बाय क्रेडिट की बात की जा रही है कि स्टैंड बाय में है क्रेडिट, ऐसा होगा तो फिर आपको जो है पैसे मिल जाएंगे। तो ये एक तरीके से परफॉर्मेंस बॉन्ड की तरह होता है कि आपने अगर अच्छा काम किया तो आपको जो है क्रेडिट मिला, या फिर गारंटी की तरह होता है ना, ठीक ना। तो इट दस एश्योर द बेनिफिशियरी दैट इन द इवेंट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस और नॉन पेमेंट ऑफ द ऑब्लिगेशन द बेनिफिशियरी मे रिक्वेस्ट पेमेंट फ्रॉम द इशुइंग बैंकर। तो ये केसेस में कब होगा, सपोज
आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो बिजनेस में, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। मैं डांस कंपटीशन की बात नहीं कर रहा, बिजनेस में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। आप पेमेंट, जो भी आपका ऑब्लिगेशन है कि आपको इतना पेमेंट करना है, आप उस केस में पेमेंट जो है आप कर नहीं पा रहे हो किसी को, तो एक तरीके से बैंक जो है आपको एक तरीके से स्टैंड बाई क्रेडिट इशू करता है कि ठीक है जब आप पेमेंट नहीं कर पाओगे तो उस केस में मैं आपकी जगह पे पेमेंट जो है करवा दूंगा, मैं आपकी जगह पे पेमेंट कर दूंगा, तो उसे हम कहेंगे स्टैंड बाई क्रेडिट, ठीक है ना। अगला है डेफर्ड पेमेंट क्रेडिट। सो दिस क्रेडिट आर यूज्ड वेयर सप्लायर विशेस टू अलाउ द बायर टाइम टू पे द डॉक्यूमेंट्स, है ना। तो यहाँ पे डेफर्ड पेमेंट क्रेडिट का मतलब हो गया कि यहाँ पे क्रेडिट जो है सप्लायर एक तरीके से अलाउ करता है बायर को कि आप जो है जब आप डॉक्यूमेंट पे करोगे, जब आप डॉक्यूमेंट शो करोगे तब आपको जो है पेमेंट जो है मिल जाएगा, है ना। पेमेंट के टाइम पे आपको जो है डॉक्यूमेंट शो करना होगा, तो उस केस में डेफर्ड पेमेंट ऑफ क्रेडिट जो है दिया जाता है। ही प्रोवाइड्स द बेनिफिशियरी स्पेसिफाइड टाइम, वो एक स्पेसिफिक टाइम देता है कि भाई इस टाइम पीरियड के भीतर जो आपको डॉक्यूमेंट्स को शो करना है फॉर पेमेंट आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट विच द बैंक विल डिलीवर टू द एप्लीकेंट बायर इन द मेन टाइम, है ना। तो जो भी डॉक्यूमेंट जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप उसको दे दो हमें, तो फिर आपको जो है पेमेंट हम कर देंगे। तो इस तरह का जो पेमेंट क्रेडिट होता है, इस तरह का जो क्रेडिट होता है, जो एलसी होता है, उसे हम कहते हैं डेफर्ड पेमेंट क्रेडिट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है पेमेंट क्रेडिट, ठीक ना। सो दिस इज अ स्लाइट साइट क्रेडिट व्हिच विल बी पेड एट साइट बेसिस अगेंस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स टू द डेजिग्नेटेड पेइंग बैंक, है ना। तो जो भी पेइंग बैंक होगा उसका जो भी रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट होगा, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा, जब आप उसको शो करोगे तो अब आप जाकर के जो है आपको क्रेडिट जो है मिल जाएगा, और वो साइट पे मिलता है। सपोज आप किसी जगह पे हो, वहां पे आपने डॉक्यूमेंट को शो करा, तुरंत आपको जो है क्रेडिट मिल गया। तो इस तरह के क्रेडिट को हम बोलेंगे पेमेंट क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट जो है सिर्फ डॉक्यूमेंट को दिखाने से ही आपको जो है मिल जा रहा है। अब ऐसा नहीं कि कोई भी डॉक्यूमेंट, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, है ना। इन अ पेमेंट ऑफ क्रेडिट द बेनिफिशियरी मे और मे नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू ड्रॉ अ ड्राफ्ट। अब इस तरह के पेमेंट में हो सकता है कि बेनिफिशियरी को बुलाया भी जाए और ना भी बुलाया जाए, है ना। दोनों केसेस में जो है पेमेंट क्रेडिट जो है मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को शो करना होता है, मतलब जिसके पास डॉक्यूमेंट होता है उसको क्रेडिट मिल जाता है, और इसी का नाम इसलिए जो है पेमेंट क्रेडिट है ना। अगला पॉइंट है एक्सेप्टेंस क्रेडिट। सो दिस इज सिमिलर टू डेफर्ड पेमेंट क्रेडिट। तो डेफर्ड पेमेंट क्रेडिट आपने सुना था, पढ़ा था, अभी अभी मैंने आपको बताया, तो ये एक तरीके से उसकी तरह ही होता है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है आपको शो करना होगा, तभी आपको जो है डॉक्यूमेंट जो है आपको पेमेंट जो है क्लियर किया जाएगा। उसी तरीके से ये भी है कि दिस इज द क्रेडिट ड्रॉइंग द इश्यूएंस ऑफ ड्राफ्ट इज अ मस्ट, जहाँ पे आपको अपने ड्राफ्ट को इश्यू करना, एक तरीके से ड्रॉ करना, सॉरी यूजेंस ड्राफ्ट इज अ मस्ट, यहाँ पे आपको अपने ड्राफ्ट को ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट। आप जैसे ही अपने ड्राफ्ट को ड्रॉ कर लोगे तो आपको जो है एक्सेप्टेंस क्रेडिट मिल जाएगा। अंडर दिस क्रेडिट ड्राफ्ट मस्ट बी ड्रॉन ऑन द स्पेसिफाइड बैंक ड्रॉई फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, है ना। तो जो ड्राफ्ट है वो ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी स्पेसिफाइड बैंक से या फिर ड्रॉई से, आपको अगर एक्सेप्टेंस क्रेडिट चाहिए तो, ठीक ना। अगला है नेगोशिएशन क्रेडिट। तो नाम से पता चल रहा है कि नेगोशिएशन करने की बात की जा रही है। तो दिस कैन बी साइट क्रेडिट और इश्यूएंस क्रेडिट। अब ये एक तरीके का साइट क्रेडिट भी हो सकता है, जहां पे मैंने आपको बताया था साइट क्रेडिट, जहां पे आपको सामान मिल जा रहा है ना, ये देखो पेमेंट क्रेडिट जो था, है ना, उसको साइट क्रेडिट हम बोल रहे हैं। तो नेगोशिएशन क्रेडिट एक तरह का पेमेंट क्रेडिट भी हो सकता है, या फिर यूसेंस क्रेडिट भी हो सकता है, जो कि एक्सेप्टेंस क्रेडिट है। बट ड्रॉइंग अ ड्राफ्ट इज मस्ट इन नेगोशिएशन क्रेडिट। बट इस केस में जैसा कि एक्सेप्टेंस क्रेडिट में बोला गया था कि आपको अपने ड्राफ्ट को ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जैसे ही आप अपने ड्राफ्ट को ड्रॉ कर लेंगे आपको नेगोशिएशन जो है आपको कंफर्म हो जाएगा और आपको जो है क्रेडिट मिल जाएगा। फर्दर द ड्राफ्ट कैन बी ड्रॉन ईदर ऑन बेनिफिशियरी और एनी अदर ड्रॉई एज पर द क्रेडिट आइटम्स। बाद में जाकर के ड्राफ्ट जो है वापस से उसको जो है ड्रॉ किया जा सकता है बेनिफिशियरी या फिर किसी और ड्रॉई के नाम पे, वहां पे जो है आपको नेगोशिएशन क्रेडिट भी मिल जाता है, ठीक है। In negotiation credit, the nomination can be restricted to a specific bank, or it may allow free negotiation in which it is called free negotiable credit. है ना, इसके आगे मैं नहीं बता रहा आपको। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि नेगोशिएशन क्रेडिट के अंतर्गत जब नॉमिनेशन दिया जाता है तो नॉमिनेशन के ऊपर एक तरह का रिस्ट्रिक्शंस होता है ना, कि आप किसी स्पेसिफिक बैंक को ही एक तरीके से आप नॉमिनेट कर सकते हो, है ना। सिर्फ उसी को दिया जाता है कि आपको जो है फ्री आप नेगोशिएशन कर पाओगे, बट वहां पे बैंक का पर्टिकुलर बैंक का नाम वहां पे लिखा रहेगा। तो इस केस में उसको हम फ्री नेगोशिएबल क्रेडिट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीजें जो है फ्री हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन भी है कि आपको नॉमिनेट करना पड़ेगा किसी स्पेसिफिक बैंक को, और आप उसी के साथ क्रेडिट लोगे या फिर उसी के साथ आप ट्रेड करोगे, है ना। तो यहाँ पे नेगोशिएशन क्रेडिट यहाँ पे एक तरीके से नेगोशिएट किया जा रहा है ताकि ट्रेड जो है उनके उनके अकॉर्डिंग जो है वो हो सके, है ना। कुछ पॉइंट्स और हैं, उनको भी कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है साइट एंड इश्यूएंस क्रेडिट। जो मैंने अभी बताया था उसी को फिर से मैं बोलूं, मुझे एकदम मन नहीं कर रहा।
काफी लंबा लेक्चर भी हो गया है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। और एक पॉइंट छूट भी जाए तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अगला कर लेते हैं फिक्स्ड एंड रिवॉल्विंग क्रेडिट। रिवॉल्विंग क्रेडिट मैंने आपको बताया था, जहाँ पे जो जो ट्रेड है वो अगर बहुत ही फ्रीक्वेंट बेसिस में हो रहा है ना, बहुत ही लगातार हो रहा है, तो वहाँ पे रिवॉल्विंग क्रेडिट का इस्तेमाल किया जाता है। एक क्रेडिट खत्म हुआ, दूसरा क्रेडिट आ गया, है ना। तो यहाँ पे फिक्स्ड एंड रिवॉल्विंग क्रेडिट की बात की जा रही है, दो तरह की क्रेडिट है। सो व्हेन अ क्रेडिट इज अवेलेबल फॉर फिक्स्ड अमाउंट, जब क्रेडिट किसी फिक्स्ड अमाउंट के लिए अवेलेबल है, एंड अ पीरियड इज कॉल्ड फिक्स्ड क्रेडिट, है ना। जो पीरियड है उसको हम फिक्स क्रेडिट बोलेंगे। इन दिस टाइप ऑफ क्रेडिट द क्रेडिट गेट्स एग्जॉस्टेड वंस इट इज यूटिलाइज्ड फॉर द स्टिपुलेटेड टाइम और आफ्टर द स्टेटेड वैलिडिटी डेट, है ना। तो ये देखो रिवॉल्विंग क्रेडिट है लेकिन फिक्स्ड नेचर का है, मतलब जब आपने एक बार इसका इस्तेमाल कर लिया तो आप दोबारा उस स्पेसिफाइड पीरियड में आप नहीं कर सकते। सपोज आपको बोला गया कि 3 महीने में है जो है आपको 50,000 रुपए का क्रेडिट मिलेगा, तो 3 महीने में आपको 50,000 का ही मिलेगा, 3 महीने बाद आपको 50,000 फिर से मिल जाएगा। मतलब ये रिवॉल्व कर रहा है, हर तीन तीन महीने में आपको क्रेडिट मिल रहा है लेकिन एक ही बार मिलेगा, फिक्स है कि आपको 50,000 तक ही मिलेगा। तो उस तरह के क्रेडिट को हम बोलेंगे फिक्स्ड एंड रिवॉल्विंग क्रेडिट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अंडर रिवॉल्विंग क्रेडिट, सो अंडर दिस क्रेडिट द अमाउंट इज रिवाइव और रीइंस्टेटेड विदाउट रिक्वायरिंग री इनहेंसमेंट एंड क्रेडिट। अब इस क्रेडिट में क्या होता है कि क्रेडिट जो होता है उसको रिवाइज कर दिया जाता है, रिवाइव कर दिया जाता है बिना किसी तरह के इनहेंसमेंट ऑफ क्रेडिट के बारे में बात करते हुए भी, है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको एक पेमेंट करना था, पेमेंट आपने कर दिया, आपको दोबारा से पेमेंट करना, आपके पास पैसे नहीं है, तो दोबारा से बैंक आपको एक तरह से पैसे दे दे रही है कि आप पेमेंट कर सको। तो ये रिवॉल्विंग क्रेडिट हो रहा है ना, एक तरीके से आपको पैसे की जरूरत है, बैंक आपको दे दे रही है ना। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस क्रेडिट का नाम ही है अंडर रिवॉल्विंग क्रेडिट। आपका रिवॉल्व कर रहा है, वैसे वैसे आपको जो है क्रेडिट मिलते जा रहा है और जो अमाउंट है वो रिवाइव हो रहा है, ना कि क्रेडिट का जो लिमिट है वो बढ़ाया जा रहा है। आप समझ रहे हो, आपका क्रेडिट का लिमिट अगर 40,000 है तो आप 40,000 रुपया तक ही निकाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। लेकिन आपको 40,000 करके आपको दो तीन बार करके ऑप्शन दे रहा है, मतलब एट ए टाइम आप 40 ही निकाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते हो, है ना। आपका जो क्रेडिट लिमिट है 40,000 से ऊपर नहीं बढ़ाया जा रहा है, 40 ही दिया जा रहा है, बट एट ए टाइम आप 40 निकाल सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट है ट्रांजिट क्रेडिट, जो कि आखिरी पॉइंट है। दिस इज इशूड इन वन फॉरेन करेंसी विद बेनिफिशियरी इन द अदर, बट एडवाइज थ्रू एज एंड यूजुअली कंफर्म्ड बाय ए बैंक इन लंदन, ठीक है ना। तो ये एक तरह का क्रेडिट होता है जो कि फॉरेन करेंसी में प्रोवाइड किया जाता है बेनिफिशियरी को, ताकि वो किसी और कंट्री में उस चीज का इस्तेमाल कर सके। तो ट्रांजिट क्रेडिट, नाम से पता चल रहा है कि ये ट्रांजिट क्रेडिट है ना, जाने आने में जो सामान का जो खर्चा होगा उसको पे करने के लिए ट्रांजिट क्रेडिट का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे इसलिए एक्सचेंज की भी बात की जा रही है। तो ये एक तरीके से जो बैंक है, किसी एक कोई एक बैंक है जो कि लंदन में है, उसके द्वारा ये कन्फर्म भी कराना पड़ता है कि एक तरीके से ट्रांजिट क्रेडिट है जो कि फॉरेन करेंसी में आपको प्रोवाइड की जा रही है, ताकि जब आप फॉरेन में ट्रेवल कर रहे हो, जब आप यू नो ट्रांजिट में हो, तो उस केस में आप इस क्रेडिट का इस्तेमाल कर सको। तो इसे हम कहेंगे ट्रांजिट क्रेडिट, ठीक है ना। तो काफी लंबा लेक्चर था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा कि कौन-कौन से ऐसे लेटर ऑफ क्रेडिट हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है, और उनका नाम बताइए और उसको बारे में अच्छे तरीके से लिखिए, तो ये आपसे पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।